नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 3 सितंबर 2022 और आज का दिन है शनिवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी सबसे पहली खबर से कि देश को मिला स्वदेशी विमानवाहक INS विक्रांत व नए ध्वज। किसका? नेवी के जो नया ध्वज है उसके बारे में भी जानेंगे और इससे संबंधित अन्य पहलुओं को भी देखेंगे। फिर BRO के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। फिर देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को हटाने के लेकर याचिका दायर की गई और क्यों ये याचिका दायर की गई। फिर देखेंगे हम दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के बारे में व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में भी देखेंगे। फिर अगली खबर देखेंगे हम जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पहलुओं को देखेंगे, क्या एक्चुअल में जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण की। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से हम भारत व UAE के संबंधों के बारे में देखेंगे कि जो हाल ही में जो इंडिया UAE के जो विदेश मंत्री मिले उनकी बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। फिर देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने क्यों कहा कि दुनिया सूखे की तरफ बढ़ रही और इसे लेकर क्या चिंताएं जाहिर की गई। फिर हम देखेंगे कि भारत बना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। फिर देखेंगे कि दिग्गज ऊर्जा कंपनियों ने नेट जीरो उत्सर्जन की दौड़ में हुई शामिल। फिर देखेंगे कि भारत का विदेशी कर्ज कितना बड़ा कितना घटा। फिर उसके बाद हमारी जो रहेगी वो रहेगी श्रम सुविधा पोर्टल से आसान होगा व्यापार। फिर हमारी अगली खबर रहेगी INS विक्रांत के बारे में, हम उसकी विशेषताओं को जानेंगे। फिर जो जो ध्वज है नौसेना का उसके संबंधित पहलुओं को देखेंगे। तो ये हमारा आज का ओवरव्यू रहेगा, मतलब ये हमारा रहेगा। इसके साथ हम देखेंगे ध्वज के बारे में देखेंगे, उसके इतिहास के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम जो जेक क्या होता है, स्टैंड क्या होता है, फिर BRO के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में देखेंगे। फिर जो 1991 में किस तरह का प्रशासन था उसके बारे में देखेंगे। फिर दक्षिण आंचलिक परिषद के बारे में देखेंगे और एक वीडियो देखेंगे, शुरुआत करेंगे। तो ये हमारा पूरा आज का विश्लेषण रहेगा इस प्रकार। हम शुरुआत करने से पहले एक बार INS विक्रांत से संबंधित एक वीडियो देख लेते हैं। From a small harbor police outfit at the beginning of the 17th century to one of the world's finest naval forces of the 21st century, the Indian Navy has come a long way. It is the proud custodian of a rich maritime legacy, and for years the rank and file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto Sham No Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. Amen. गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. अभी हम क्लिप के बाद अब देख लेते हैं हमारी खबर शुरुआत कर। तो विक्रांत से मिली देश को विराट शक्ति। तो प्रधानमंत्री मोदी ने
देश को समर्पित किया पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्ध पोत। तो पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को कहने के जो भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। कोचिन शिपयार्ड के कहने के भव्य समारोह में कहने की नौसेना को यह सौंपा गया है। भारतीय कौशल व प्रतिभा का प्रतीक है। दो विमानवाहक पोत हो गए हैं किसके पास, भारतीय नौसेना के पास। जो पहला कौन सा, INS विक्रांत, और दूसरा है INS विक्रमादित्य। कहने का ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है। सिर्फ युद्ध पोत ही नहीं बल्कि स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन व स्वदेशी प्रतिभा का भी प्रतीक है। INS विक्रांत आत्मनिर्भर और आकांक्षी भारत का असाधारण प्रतीक है। भारत स्वदेशी तकनीक से इतने बड़े विमानवाहक पोत को बनाने के लिए कहीं न कहीं चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। और जो भारतीय सामूहिक यानी सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं ये एक तरह से महत्वपूर्ण साबित होगा। जो कहीं न कहीं स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में कहीं न कहीं जो सदस्य देश है उनके बीच में एक विश्वास का प्रतीक जगाएगा। पीएम बोले, विक्रांत केवल एक युद्ध पोत नहीं भारतीय कौशल व प्रतिभा का प्रमाण है। विमानवाहक पोत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण बनाया है। तैरते वायु क्षेत्र के साथ भारत के लिए अब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। INS विक्रमादित्य जो कहीं ना कहीं देश का दूसरा विमानवाहक पोत है, केरल में कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित समारोह में कहा उन्होंने। जो विक्रांत की विशेषता है वो क्या है, तो युद्ध पोत पर MiG-29 समेत 30 लड़ाकू विमानों के अलावा स्वदेशी हल्कू हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। 20,000 करोड़ की लागत आई है। लगभग 2300 कंपार्टमेंट है। सर्वाधिक रफ्तार 28 समुद्री मील है, लगभग 53 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा, और क्रूजिंग गति 18 समुद्री मील है। एक बार में करीब 75,000 समुद्री मील तय करने में सक्षम है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्माण किया है। इसमें 76% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल किया गया है। वर्ष 2009 में शुरू हुआ था निर्माण, और निर्माण के दौरान जहाज पर प्रतिदिन लगभग 2000 लोग काम करते थे। अग्रणी देशों में शामिल भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के बाद भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी तकनीक से 40,000 टन से ज्यादा के विमानवाहक पोत की क्षमता है। भारत की ताकत बढ़ाएगा विक्रांत, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति काफी मजबूत होगी। यह गहरे समुद्र में तैनात नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। विक्रांत के नौसेना में शामिल होने का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते कुछ समय से चीन के साथ भारत के रिश्तों में तनाव है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के प्रयासों के साथ चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। भारत ने अपने इकलौते विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य को पश्चिमी समुद्री सीमा क्षेत्र यानी अरब सागर पर तैनात किया है, और विक्रांत के आने से भारत अब पूर्वी समुद्री क्षेत्र में भी अपना एक विमानवाहक पोत तैनात कर सकेगा। इससे हमारे समुद्र क्षेत्र की निगरानी बेहतर होगी। अब हम देखेंगे कि जो नौसेना के जो पहला दोस्त था वो कौन सा था, और हाल ही में जो शामिल किया गया वो दोस्त क्या था, और उसकी क्या विशेषताएं थी, और इस दोस्त से संबंधित कुछ पहलुओं को भी देखेंगे। जो सिंबल लिया गया अभी वो कौन सा लिया गया, ये वाला यानी नेवल, इंडियन नेवल इंसाइन। तो कहीं ना कहीं जो प्रतीक चिन्ह में ऊपरी कैंटन पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, एक नीला अष्टकोण दृढ़ता को चित्रित करने के लिए एक लंगर के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक को घेरता है, जो देवनागरी में नौसेना के आदर्शवाद सेम नो वरुण है यानी शुभ होने के लिए समुद्र के देवता का आह्वान करने वाला एक वैदिक मंत्र है, कहीं के साथ एक ढाल पर लगाया जाता है। अष्टकोण 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और इसे नौसेना की बहुआयामी पहुंच और बहुआयामी परिचालन क्षमता के प्रतीक के रूप में भी शामिल किया गया है। अष्टकोण की सुनहरी सीमाएं मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के मुहर से प्रेरित हैं, जैसा अभी हमने वीडियो क्लिप में देखा था। अब हम इससे संबंधित थोड़ा इतिहास को देखेंगे। इंडियन नेवल
इंसाइन जिसका प्रोपोर्शन कितना 1:2 है, और ये अभी शामिल किया गया है। अब हम इसका एक फोटो देख लेते हैं, तो ये वाला सिंबल शामिल किया गया शमनो वरुणः, और ये कहीं ना कहीं जो सुनहरे कलर किसकी सीमा है, ये राष्ट्रीय ध्वज हो गया, और ये अशोक स्तंभ। अब हम इसके बारे में जान लेते थोड़ा, अब हम इसके इतिहास के बारे में देख लेते। तो एक इंसाइन और एक जेक, तो दोनों में अंतर को देख ले। जेक होता है वो कहीं ना कहीं जो विमान वाहक होता है उसके सामने लगाया जाता है, और जो इंसाइन होता है उसको कहीं ना कहीं पीछे की साइड लगाया जाता है। तो ये जो विमान वाहक पोत हो गया, यानी एक तरह से युद्ध पोत हो गया, तो इसके सामने जो लगाया जाता है उसे बोलते हैं जेक, और जो पीछे की साइड लगाया जाता है उसको बोलते हैं इंसाइन। जो पुराना वाला हमारा जो नेवी का जो ध्वज था वो इस तरह का, जो कहीं ना कहीं ये पीछे की साइड लगाया गया है इसको। तो अब हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि किस तरह का जो ध्वज में परिवर्तन आते गए समय के साथ। तो 1947 से आज तक देखेंगे, तो सबसे पहले भारत आजाद हुआ 1947 को, तो 1947 से 1950 में जो हमारा इंसाइन का था वो इस प्रकार का था, यानी यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन का ध्वज था, और ये कहीं ना कहीं सेंट जॉर्ज का जो सिंबल है वो वाला था, और जो जेक था यानी जो कहीं ना कहीं युद्ध पोत या विमान पोत के जो आगे लगाए जाते थे वो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है वही था। फिर 1950 से 2001 के बीच में जो ब्रिटेन के ध्वज की जगह जो भारत के ध्वज को शामिल कर लिया गया। फिर 2001 से 2004 के बीच में इसमें कुछ बदलाव किया गया, यानी जो सेंट जॉर्ज था जो क्रॉस था उसे हटा दिया गया, बाकी जेक सेम ही रह रहे हैं, बाकी जो इंसाइन है उसको परिवर्तन करते गए। फिर 2004 से 2014 के बीच में वापस फिर सेंट जॉर्ज को लाया गया, लेकिन इसके बीच में अशोक चक्र यानी अशोक स्तंभ को लाया गया, और कहीं ना कहीं जो इसके वजह थी क्यों वापस लाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ध्वज था वो दूर से दिखाई नहीं दे रहा था, तो इस वजह से वापस इस रेड साइन को फिर से इंक्लूड किया गया। फिर 2014 से 2022 के बीच में जो अशोक स्तंभ के साथ नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ इस तरह का इंसाइन अपनाया गया। फिर 2022 से प्रेजेंट यानी अब जो अपनाया जाएगा जो इंसाइन वो वाला ये वाला होगा जिसके बारे में हमें अभी हमने देखा है कि यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज होगा और ये बीच में अष्ट जो प्रधान वाला चक्र है वो शामिल किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं जो शिवाजी की मुद्रा से प्रेरित है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चीनी सीमा के पास लुकुंग में बनी सड़क से सेना की ताकत बढ़ी। तो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सीमा सड़क संगठन ने चुनौतीपूर्ण हालत में करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर भारतीय सेना की ताकत और बढ़ा दी है, और एलएसी से चंद किलोमीटर दूर लुकुंग सेट हॉट स्प्रिंग क्षेत्र तक यह सड़क सेना के साथ साथ तीनों गांवों को लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी हम बीआरओ के बारे में देख लेते हैं। यह है सीमा संगठन सड़क संगठन बीआरओ, यानी इसका पहले हम देख लेते कि ये देश का बहुप्रतिष्ठित बहुमुखी पारदर्शी ख्याति प्राप्त पर्यावरण के प्रति जागरूक व मूल्यों से निहित ओजस्वी नेतृत्व व मजबूत कार्यकुशल व समर्पित कार्यबल के साथ सशक्त बलों की सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध आधुनिक निर्माण संगठन है, जो कहीं के बुनियादी ढांचे का विकास कर राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन है। अब हम इसके उद्देश्य को देख लेते हैं, तो समर्पित प्रतिबद्ध व किफायत से बुनियादी ढांचे का विकास करते हुए सशस्त्र बलों को उनकी सामरिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना, निर्माण के बदलते परिदृश्य में समय की मांग के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशिष्ट गुणवत्ता किफायती के साथ हासिल करना, तीसरा एजेंसी अंतर्देशीय व देशीय विकास परियोजनाओं में भागीदारी बढ़ाकर अपनी क्षमता व विशेषज्ञता में वृद्धि करना, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल उसके अनुरूप डालना व विकास में नेतृत्व हासिल करना, चौथा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा सही समय पर सटीक व प्रभावी फैसला लेने का वातावरण तैयार करना, प्रतिस्पर्धा के आधार पर निर्माण गतिविधियों में उच्च स्तर की कुशलता व प्रवीणता हासिल करना, और संगठन के प्रत्येक व्यक्ति में आत्मसम्मान व नई ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए मूल्यों के प्रति समझ पैदा करना है। अब इसकी भूमिका को देख लेते हैं हम कि सीमा सड़क संगठन की भूमिका क्या है। तो शांति काल में सीमावर्ती इलाकों में
जनरल स्टाफ की ऑपरेशनल सड़कों का विकास व रखरखाव व सीमावर्ती राज्यों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान में योगदान करना, युद्ध काल में वास्तविक इलाकों में से तथा पुनर्तैनाती इलाकों से नियंत्रण रेखा के लिए सड़क का विकास व देखभाल करना और सरकार द्वारा युद्ध काल के दौरान विनिर्दिष्ट अन्य अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन भी करना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। संविधान की प्रस्तावना से दो शब्दों को हटाने की मांग पर 23 को सुनवाई, तो कहेंगे जो संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को सुनवाई करेगा। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में किए गई जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की गई है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को इसी मुद्दे पर लंबित याचिका के साथ संलग्न करने का आदेश दिया गया है। यानी जो बलराम और सुब्रमण्यम की जो याचिका थी उन दोनों को संलग्न करके उन पर सुनवाई की जाएगी। तो कहीं ना जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाने को वैधानिकता को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ना संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मिली संविधान संशोधन की शक्ति से परे है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया है। मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। याचिका में जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29(a)(5) को भी कहने की चुनौती दी गई, जिसमें राजनीतिक दल को पंजीकरण के समय समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में निष्ठा रखने की घोषणा करनी होती है। तो इस तरह से हमें देखना है कि किस तरह से ये हमारे जो संविधान से संबंधित है और उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे जोड़कर इसको देखना है। जनसंख्या नियंत्रण मामले में केंद्र से जवाब तलब। तो अत्यधिक जनसंख्या की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए नियम कायदे और दिशा निर्देश बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। तो कहीं कहीं जो याचिका में कहा गया है कि हर साल जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन संसाधन सीमित है और लगातार बढ़ती जनसंख्या का बोझ नहीं सह सकते और तेजी से बढ़ती बेरोजगारी व गरीबी और सीमित खाद्य आपूर्ति स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के मद्देनजर सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। जनहित याचिका में अत्यधिक जनसंख्या की वजह से भारत के करोड़ों नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को प्रभावी नियम और कायदे और दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई है, जिसमें कहने के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गर्भ निरोधक गोलियां, कंडोम, विभिन्न टीके इत्यादि का वितरण किया जा सके, ताकि कहने के जो जनसंख्या नियंत्रण है और जो जनसंख्या है उसमें जनसंख्या को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, परिवार नियोजन के प्रति लोगों को और कहीं ना कहीं जागरूक किया जाए। दूसरा है, क्या जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है भारत में? तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट जो रेट है भारत में वो 2.1 के करीब है। इसका मतलब है कि भारत अब एक आइडियल कंडीशन पे आ गया है कि अब भारत को जो जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं है। तो हमें इस तरह से इस खबर को देखना है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आज शामिल होंगे गृह मंत्री। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को होगी। इसमें नदियों के जल बंटवारे, तटीय सुरक्षा, आपसी समन्वय और साझा हितों पर समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित पुडुचेरी शामिल है। बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। दूसरा है, केंद्र देश में सहकारी व प्रतिस्पर्धी संवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिषदों की नियमित रूप से बैठक कर रहा है। देश में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिनकी स्थापना 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत की गई थी और केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों की
अध्यक्ष होते हैं और मेजबान राज्य के सीएम हर साल रोटेशन द्वारा चुने जाने वाले उपाध्यक्ष होते हैं। तब हम देखेंगे कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के बारे में और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में भी जानेंगे। तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है वो ये हो गई, यानी जो दक्षिणी हो गई, पश्चिमी, उत्तरी, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर, अभी मध्य की जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बैठक हुई थी। अब दक्षिणी में देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इधर से केरला हो गया, इधर से तमिलनाडु हो गया, इधर से कर्नाटक हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इधर से पुडुचेरी शामिल हो गया। और कहीं ना कहीं जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कहीं ना कहीं विशेष आमंत्रित किया जाता है इसमें। और अभी हमने देख ही ली कि कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गई। जो अभी बैठक हो रही है किसकी हो रही है, जो दक्षिणी जो आंचलिक परिषद है यानी जो जोनल काउंसिल है साउथ वाली, उसकी बैठक हो रही, कहाँ हो रही है, केरल में। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में देख लेते एक बार और इसके इतिहास के बारे में देखेंगे। तो 1947 में भारत को आजादी मिली और भारत के सामने 562 देसी रियासतों के एकीकरण व पुनर्गठन का सवाल था। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए साल 1947 में श्याम कृष्ण दर आयोग का गठन किया गया और दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। उसका मुख्य जोर प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाने पर था, किंतु तत्कालीन जनाकांक्षाओं को देखते हुए ही तत्काल उसी वर्ष यानी JBP आयोग यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया का गठन किया गया, जिसने प्रभावित जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहारता पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषी राज्य के तौर पर गठन किया गया। आपको ध्यान होना चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी सीरारामल्लु श्री रामल्लु की मद्रास में से कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी, जिसने अलग तेलुगु भाषी राज्य बनाने पर मजबूर किया था। 22 जो ये पोट्टी सीरारामल्लु भारतीय क्रांतिकारी थे और मद्रास राज्य से अलग आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग को लेकर उन्होंने आमरण अनशन किया था, जिसके कारण अंततः उनकी अनशन के 56वें दिन मृत्यु हो गई। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के निर्णय के पीछे उनकी असामयिक मृत्यु बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुई। 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर थे। इस आयोग ने 1955 को अपनी रिपोर्ट दी और आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहारता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। सरकार ने इसकी संस्तुति को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर दिया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद से पास किया गया और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला और 1960 में बंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1963 में नागालैंड गठित हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और उससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बनाए गए और 1987 में मिजोरम का गठन किया गया और केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 2000 में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आए और किससे टूटकर अस्तित्व में आए उसको भी हम देखेंगे। इसके बाद जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना जो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। तो अभी हम एक बार इस मैप का एनालिसिस करेंगे। तो इस मैप को देख लेते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 1951, ये भारत का मैप था 1951। तो कहीं ना कहीं जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन कितनी थी, अजमेर, असम, बिहार, बिलासपुर, भोपाल, बॉम्बे, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, कुछ मध्य प्रदेश और मद्रास, और दूसरी कौन सी थी, मणिपुर, मैसूर, ओडिशा, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, सिक्किम, त्रिवेणकोर, कोचिन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, विंध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो
ये फॉरेन टेरिटरी यानी जो फ्रेंच की कितनी थी और पुर्तगाल की थी, तो फ्रेंच की कितनी 5 देख लेते हो। तो फ्रेंच की कौन कौन सी है? एक तो तमिलनाडु में हमें पता है कि एक तो पोंडिचेरी यानी फ्रेंच हो गई, करिकल फ्रांस की थी ये भी, और कहीं की एक माहे फ्रेंच की हो गई, और एक यनम, ये कहीं के जो पुडुचेरी की हिस्सा 4, और 3 राज्यों में फैला हुआ, एक केरल में, तमिलनाडु में, और एक आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। फिर हम देखते हैं पुर्तगाल की कहीं के, तो एक गोवा में हो गया, एक दमन दीव, तो ये तीनों जो कहीं ना कहीं पुर्तगाल के अधीन थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये मद्रास है, तो इसी से कौन सा अलग हुआ, एक तमिलनाडु, एक कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश हुआ, इधर मैसूर से कहीं ना कहीं कर्नाटक, और इधर त्रावणकोर कोचीन से कहीं ना कहीं केरला, इधर हैदराबाद से कहीं ना कहीं तेलंगाना का निर्माण हुआ, इधर बॉम्बे से कहीं ना कहीं गुजरात और महाराष्ट्र को बनाया गया, कहीं ना कहीं ये मध्य भारत से कहीं ना कहीं जो भोपाल रियासत थी मध्य प्रदेश से, तो इससे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। इधर राजस्थान में कहीं ना कहीं अजमेर को मिला दिया गया, इधर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, और इधर जो पंजाब स्टेट था उससे कहीं ना कहीं एक तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, और इधर बिहार से कहीं ना कहीं झारखंड का, और बिहार वर्तमान में ही, तो और इधर असम से कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इनका निर्माण किया गया, इधर मेघालय का किया गया, इधर मिजोरम का किया गया। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास में इन चीजों का बहुत महत्व है कि कितनी रियासतें थी और किस तरह से भारत का एकीकरण और पुनर्गठन किया गया, जिनमें कहीं ना कहीं जो हमारे गृह मंत्री थे उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भारत यूए रिलेशन के बारे में। तो कहीं ना कहीं यूपीआई को यूएई में मिलेगी मान्यता, तो भारत यूए संयुक्त आयोग की बैठक में इसको लेकर हुई चर्चा, ग्रीन हाइड्रोजन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे दोनों देश। तो निकट भविष्य में यह संभव है कि दुबई, अबू धाबी, शारजा आने वाले और जाने वाले भारतीय अपने यूपीआई ऐप के जरिए वहां आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच इस बारे में विमर्श शुरू हुआ है, एक दूसरे के तत्काल भुगतान वाले ऐप को मंजूरी दे दी जाएगी, यानी यूए के डिजिटल भुगतान ऐप को भारत में स्वीकार किया जाएगा और भारत की यूपीआई को कहीं ना कहीं यूए में स्वीकृति मिलेगी। संयुक्त आयोग की जो बैठक में कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर सहमति बनी है, यूए में भारत के रुपे कार्ड को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है, और कहीं ना कहीं जो संयुक्त बैठक में कहीं ना कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सहयोग की बात की गई है, कच्चे तेल के बारे में, स्वच्छ ईंधन के बारे में। संयुक्त की जो आयोग की बैठक है उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा में सहयोग बढ़ाना, ग्रीन हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा को कहीं ना कहीं आगे लेकर दोनों देश कहीं ना कहीं संयुक्त निवेश भी करेंगे। दूसरा है दोनों देश अफ्रीका में संयुक्त तौर पर निवेश करने व परियोजना लगाने की संभावनाओं पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर रहे हैं। जर्मनी रोज 1,00,000 से ज्यादा, तो ये हमारे कहीं ना कहीं जो इंडिया और यूए के रिलेशन से संबंधित होता है। फिर आता है डिजिटल पेमेंट और बच्चों के पोषण में भारत एक उदाहरण, तो कहीं ना कहीं जर्मनी और ब्रिटेन जिसे देश भी इन मामले में भारत से सीख ले सकते हैं। दोनों विकसित देशों में दोनों तक चली बस लोगों ने चिंता जताई, तो कहीं ना कहीं दोनों का नाम क्यों लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जर्मनी में रोज 1,00,000 से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन भारत में डिजिटल क्रांति शीर्ष पर, और कहीं ना कहीं जो 2021-22 में भारत ने रोजाना औसतन 90,00,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की है, और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए दिए जा रहे सालाना, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं ब्रिटेन को भारत से सीख लेनी चाहिए ऐसा कहा है। दूसरा है कि पोषण को लेकर भारत ने पीएम पोषण आंगनवाड़ी योजना कहीं ना कहीं एक तरह से नजर बन गई, तो इसी को लेकर ब्रिटेन को सीख लेने का है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर जो खाद्य पोषण की जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम विकसित है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं हम श्रम सुविधा पोर्टल से आसान होगा व्यापार, तो कहीं ना कहीं जो नए लेबर कोड के लागू होने पर सभी संस्थानों के पंजीयन, लाइसेंसिंग और संस्थानों में होने वाले निरीक्षण के लिए सिंगल पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। जो श्रम जो समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए सभी राज्य अपना अपना लेबर कोड जारी करेंगे और राज्य अपना पोर्टल भी विकसित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो नए लेबर कोड है उसके तहत क्या होगा कि जो श्रम को जो सुविधाएं मिलती हैं
उनको काम की सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा, कहीं ना कहीं उनके जो हित है दोनों के, ठेकेदार की ओर जो काम करने वाले हैं उनके काम की सुविधाएं, उनके कार्यस्थल पर जो पानी छाया और अन्य सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, उन सबको के लिए कहीं ना कहीं एक नया कोड बनाया जाएगा। उनकी न्यूनतम मजदूरी से लेकर उनके बीमा से संबंधित, उनकी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित और कहीं ना कहीं इससे अन्य से संबंधित पहलुओं सबसे को मिलकर कहीं ना कहीं एक कोड बनाया जाएगा, ताकि सभी चीजों को समाहित करते हुए कहीं ना कहीं एक तरह से जो आसान प्रक्रियाएं बनाई जाए, ताकि इससे निवेश को भी आकर्षित किया जाए और जो श्रम है उनके हितों की भी रक्षा की जा सके। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न होते हैं उसमें बनते हैं कि नए लेबर कोड है वो भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और किस तरह से विकास में योगदान दे सकते हैं। ये देखते हैं कि भारत बने पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो तेज विकास की दर पर की बदौलत कहीं भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गए हैं। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अब ब्रिटेन छठे पायदान पर पहुंच गए हैं। भारत ने सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही आगे, यानी चार देश आगे हो गए और पांचवा भारत हो गया। तो मार्च तिमाही के अंत में डॉलर के विनिमय दर के आधार पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 854 अरब डॉलर था, और इसी अवधि में जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था थी वो 816 अरब डॉलर थी। कहने के जो ब्रिटेन में सुस्ती भी आई हुई है, यानी मंदी के आसार बने हुए हैं। तो इस तरह से भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बन गई है। दिग्गज ऊर्जा कंपनियां नेट जीरो उत्सर्जन की दौड़ में हुई शामिल। तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में जो ग्लासगो ब्रिटेन में भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन इकोनॉमी बनाने का ऐलान किया था, तो उसी को देखते हो कि बहुत जो कंपनियां हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपने टारगेट डिसाइड किए हैं कि वो भी नेट जीरो का लक्ष्य को हासिल करेगी। जैसे IOC ने वर्ष 2046 तक नेट जीरो उत्सर्जन कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है, इसी तरह और कंपनियों में भी रखा है। तो हम देख लेते हैं कि जो बिजली कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत यानी सौर पवन आदि से बनाने लगेगी, जिससे कहीं ना कहीं जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके प्रति भारत ने जो प्रतिबद्धता जताई हाल ही में जो NDC सबमिट किया है UNFCCC में, तो जो गोल हमने डिसाइड किए उसे कहीं ना कहीं हम मीट कर सकेंगे, उसे प्राप्त कर सकेंगे। नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब यह होता है कि पर्यावरण में कंपनी की तरफ से जितना कार्बन उत्सर्जन किया जाता है उतना ही कार्बन पर्यावरण से बाहर निकालने की व्यवस्था होती है, इसे ही नेट जीरो कहा जाता है। भारत का विदेशी कर्ज 8.2% बढ़कर 620.7 अरब डॉलर हो गया है। तो भारत का विदेशी कर्ज मार्च 2022 के अंत में कहीं ना कहीं 620 अरब डॉलर हो गए हैं। ये से वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए, जिसमें देश के बाहरी कर्ज का 53% हिस्सा डॉलर के तौर पर है, जबकि 31% भारतीय रुपए के रूप में देय कर्ज हैं, और GDP के अनुपात में जो विदेशी कर्ज है वो 20% है। और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है, हाल ही में 561 अरब डॉलर रह गया है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की प्रमुख वजह विदेशी मुद्रा अस्थियों यानी फॉरेन करेंसी एसेट में कमी आना है और स्वर्ण भंडार में कमी आना है। अब यहाँ पे ज्यादा समझाने का नहीं है, क्योंकि अब ये चीजें हमारे रोज चर्चा में बनी रहती है, तो हमें बस ये टर्मोलॉजी देखनी है, ताकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें टर्मोलॉजी से डर ना लगे, ताकि हम इनके साथ एक तरह से फेमिलियर रहें। कि चर्चा में हम सुनते रहते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, तो स्वर्ण भंडार क्या होता है, FCA क्या होता है, तो हमें वहाँ कहीं ना कहीं इन शब्दों से एक तरह से फेमिलियर रहने पर पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा एक तरह से। तो हम INS विक्रांत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि INS विक्रांत आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को ही सशक्त करता है। कहीं ना कहीं ये विशाल है। दूसरा है कि जो इसका नामकरण को देख लेते हैं कि इसका नामकरण के पीछे क्या कहानी है। तो इसका नाम भारत के पहले विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है। भारत वर्ष 1961 में ब्रिटेन से HMS हरक्यूलिस खरीदकर विमान वाहक पोत हासिल करने वाला एशिया का पहला देश बना था, और इस युद्धपोत को भारत ने INS विक्रांत नाम दिया था। 1971 में भारत पाक युद्ध में जल सीमा पर नाकेबंदी की थी। विक्रांत नाम का संबंध भगवद गीता से है, और इस पहले अध्याय के 16वें श्लोक के में कहने के पांडवों के कुछ सेना नायकों को विक्रांत कहा गया है। वी का मतलब विशिष्ट और क्रांत का मतलब होता आगे बढ़ने वाला।
INS विराट का नाम भी गीता से ही लिया गया है। विक्रांत का सूत्र वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ है अपने खिलाफ युद्ध करने वाले पर विजय प्राप्त करना है। सामान्य युद्धपोत की तुलना में एयरक्राफ्ट अब इसकी जरूरत क्यों है, तो क्योंकि सामान्य युद्धपोत की तुलना में एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत लंबी दूरी तक निगरानी और रक्षा का कार्य कर सकते हैं। नौसेना विशेषज्ञ कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर महासागर पर तैरते वायुसेना क्षेत्र की तरह होते हैं। दूसरा है कि INS की जो विशेषता उसको देख लेते हैं कि INS विक्रांत के निर्माण में स्वदेशी उपकरणों मशीनरी का उपयोग किया गया है। मशीन ऑपरेशन नेविगेशन के लिए विक्रांत ऑटोमेटिक कार्य प्रणाली से लैस है। अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट उपकरण लगाए गए हैं। स्वदेशी विक्रांत के साथ हमें हर मैजिस्टी शिप यानी HMS नाम से भी मुक्ति मिल गई है, जो ब्रिटेन के महारानी के नाम का संकेत है एक तरह से। भारत के पुराने INS विक्रांत का असली नाम HMS हरक्यूलिस था, यानी हर मैजिस्टी शिप। तो INS विराट का भी नाम HMS यानी हर मैजिस्टी शिप हम्स था। तो कहीं ना कहीं ये बदल दिए गए नाम। अब भारत का जो तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी दो तो हमारे पास ही, एक विक्रमादित्य और एक विक्रांत है, और तीसरे बनाने की भी प्रयास चल रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं अत्याधुनिक बेड की सुविधा है, इसमें अस्पताल है, ऑपरेशन थिएटर है, MRI है, CT स्कैन है, और अन्य चीजों से भी कहीं ना कहीं इसको लेस किया गया है, ताकि किसी भी आपातकाल की सुविधा दुविधा में या स्थिति में निपटा जा सके। शिवाजी महाराज की राज मुद्रा से प्रेरित है नौसेना का जो नया ध्वज है। अभी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं उसमें जो प्रतीक, जो नौसेना में जो गुलामी के प्रतीक थे सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस था, उसे हटाकर उसके स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा को प्रतीक को ध्वज में स्थान दिया गया है। नए ध्वज में बाई तरफ ऊपर राष्ट्र ध्वज और दाहिनी तरफ अष्टकोण में नीले रंग के आधार पर सुनहरे रंग से अशोक स्तंभ व देव वाक्य समेत नौसेना के निशान को प्रदर्शित किया गया है। और ये अष्टकोण छत्रपति शिवाजी की राज मुद्रा से प्रेरित है, और अष्टकोण आठों दिशाओं का प्रतीक है। और कहीं ना कहीं जो सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस है और जो ब्रिटिश ध्वज है, उससे कहीं ना कहीं 1950 में तो ध्वज को हटा दिया गया था, और जो सेंट जॉर्ज है उससे कुछ समय हटाया और फिर ऐड किया और आखिरी में आकर इसे हटा दिया गया है। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। इससे कहीं ना कहीं जो हिंद प्रशांत की क्षेत्र की जो सुरक्षा उसे बढ़ाई जा सकेगी, और दूसरा है कि जो भारत की जो समुद्र सीमा है उसकी निगरानी सुरक्षा प्रणाली में ये एक तरह से मील का पत्थर साबित हो सकेगा। बाढ़ से बहाल पाक प्रभावित को नहीं मिल रही जरूरी सुविधा। कहीं जो पाकिस्तान में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति बयावा हो गई। अब हमको हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं GST अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत का पड़ोसी और भारत का कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली नीति अब किस तरह से प्रभावित करेगा। मान लीजिए कि पाकिस्तान में इस तरह की जो समस्या है वो लंबे समय तक रहती है, तो कहीं ना कहीं वहां से जो लोग है वो शरणार्थी के रूप में भारत में इंटर करने लग जाएंगे, कुछ अवैध रूप से इंटर करने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से भारत को प्रभावित करने लग जाएंगे। तो इस तरह से हमको इसको देखना है कि अब हमें यहाँ किस प्रकार पड़े इसको कि हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से लगे ये। तो कहीं ना कहीं जो विनाशकारी बाढ़ से 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। कहीं ना कहीं इस पानी की वजह से विभिन्न रोगों की उत्पन्न होने की भी कहीं ना कहीं संभावना है, जैसे मलेरिया है, डायरिया है, और इसकी संबंधित डिजीज है। दूसरा है इसके प्रभाव क्या हुए, तो कहीं ना कहीं इससे पशुधन को नुकसान हुआ है, लाखों मकान नष्ट हो गए, पोल सड़कें नष्ट हो गई, जो फसलें थी वो नष्ट हो गई, कहीं ना कहीं जो दुग्ध उत्पादन है पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि पशुधन नष्ट हो गया है, एक तरह से बह के चला गया है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि खाद्य पदार्थों व तेल की ऊंची कीमतों से पाकिस्तान में लोगों का आक्रोश और बढ़ सकता है, और पाकिस्तान में अगस्त में जो महंगाई की दर 27.7% हो गई, जिससे सामाजिक विरोध और अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। और इसका कहीं ना कहीं असर भारत पर भी बढ़ता है, क्योंकि मान लीजिए कि पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को लेकर कहीं ना कहीं भारत पर हमले करते हैं, ताकि जो जनता है पाकिस्तान की उसको एकजुट किया जा सके और उनका ध्यान भटकाया जा सके और भारत पर उनका ध्यान केंद्रित किया जा सके। तो इसलिए हमको देखना है कि भारत को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। तो भयानक सूखे की तरफ बढ़ रही है दुनिया। तो संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि अगर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तो कोविड के बाद सूखा दुनिया की अगली महामारी बनकर उभरेगा। तो तेजी से सूख रही है दुनिया भर की नदियां। तो शोध में बताया गया है कि दुनिया भर में नदियां तेजी से सूख रही हैं।
अगस्त में फ्रांस की लोयर नदी ने अपना निम्नतम जल स्तर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डेन्यूब, राइन, यांगसी नदी और कोलोराडो नदियां ने भी, जहां तक एक समय में बाढ़ की स्थिति थी और अब कहीं ना कहीं जो नदियां सूखने के कगार पर आ गई हैं। तो अब देखते हैं कि नदी जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी वजह, तो इनकी वजह क्या है। तो जलवायु परिवर्तन के कई रूप है। पारिस्थितिकी में हर चीज एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए जब एक चीज बदलती है तो वह अपने साथ कई अन्य चीजों को भी प्रभावित करती है। जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे ही जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, उसके मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। बारिश के समय और उसकी मात्रा में भी परिवर्तन होने लगा है। नदियां भी इसी परिवर्तन का शिकार हो रही हैं और इस कारण से दुनिया भर में पीने योग्य पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। अब देखते हैं कि इंसानों के हस्तक्षेप ने बिगाड़ी है स्थिति। तो पृथ्वी पर नदियों का अस्तित्व अरबों वर्षों से है। वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि नदियां पर्यावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल लेती हैं। वर्तमान समय में भी संभवतः नदियां ऐसा करने में सक्षम हो सकती थी, लेकिन इंसानी हस्तक्षेप ने इसे मुश्किल कर दिया है और अपनी जरूरतों के लिए मनुष्य ने नदियों के प्राकृतिक प्रवाह से छेड़छाड़ की है और यही वर्तमान संकट को बढ़ाने का प्रमुख कारण बना है। तो यहाँ भारत की स्थिति भी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। तो भारत का भी एक तरह से आंकड़े दिखाए गए कि गंगा नदी दुनिया की उन 5 नदियों में से जिनका अस्तित्व खतरे में है, गोदावरी, कावेरी और अन्य नदियों की स्थिति भी अलग नहीं है। यहाँ कावेरी दिखाई गई है कि 40% कावेरी अपना जो जल प्रवाह खो चुकी है। 60% नर्मदा और कृष्णा में पानी लगभग इतना कम हुआ है और 25% भारत का इतना हिस्सा रेगिस्तान बन रहा है। अपनाने होंगे प्राकृतिक तरीके, तो इसका क्या उपाय है। तो वैश्विक व्यवस्था में नदियों के महत्व को अनदेखी नहीं की जा सकती, इसलिए ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनसे उनके प्राकृतिक प्रवाह से छेड़छाड़ किए बिना उन्हें प्रबंधित किया जा सके। चीन की स्पॉन्ज सिटी परियोजना इसका बड़ा उदाहरण है। तो इसके तहत क्या किया गया है चीन ने, कि चीन के शहरों में रेन गार्डन, कृत्रिम तालाब और वेटलैंड्स तैयार किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य ज्यादा बारिश की स्थिति में पानी को सोखकर सुरंगों और स्टोरेज जो टैंकों में भेजना है और नदियों में जलस्तर घटने पर इस पानी को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है ताकि उसका जो जलस्तर वो बरकरार रहे और उसमें जो जलीय जीव है वो प्रभावित ना हो। तो हमारा विश्लेषण अब यही समाप्त होता है। हम एक बार पाकिस्तान के मैप का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने खबर देखी कि वहाँ बाढ़ आई है, तो बाढ़ क्यों आ रही है और किस नदियों की वजह से आ रही है, तो अभी हम देखेंगे उसको। ये पाकिस्तान का मैप हो गया। तो इसके पूर्व की साइड इंडिया आ गया, इधर पश्चिम की साइड अफगानिस्तान और कहीं ना कहीं जो दक्षिण पश्चिम में ईरान से सीमा लग रही है इसकी, और इसकी चीन से सीमा नहीं लगती, लेकिन ये हमारा कहीं ना कहीं पीओके पे इसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इस वजह से यहाँ से कहीं ना कहीं चाइना से भी इसकी सीमा लग रही है एक तरह से, और इधर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से भी इसकी सीमा लग रही है एक तरह से उत्तर की साइड में। माफ कीजिए, इसकी सीमा ऊपर तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान से नहीं लगती, क्योंकि कहने के बीच में अफगानिस्तान आ गया है और ये हिंदू कुश पर्वतमाला हो गई। ये काबुल नदी कहने के जो काबुल शहर है जो अफगानिस्तान की राजधानी, इसी काबुल नदी के किनारे बसा हुआ। फिर कहने के ये जो यहाँ पर खेवर जो दर्रा है वो आ गया है, और कहने के यहाँ से जो काबुल नदी प्रवेश करते कहने के इंडस नदी में मिल जाती है। फिर कहने के इंडस नदी में से झेलम, चिनाब, रावी व्यास, सतलज आकर मिलती है, और यहीं कहने के पंजाब, तो पंजाब का नाम भी पंच प्लस आग यानी 5 नदियों के नाम पर रखा गया है। और चेनाब नदी कहने के जो पंजाब, ये वाला पाकिस्तान वाला पंजाब हो गया ये एक तरह से, और भारत का अलग पंजाब है, और दोनों को मिलाकर एक पहले एक पंजाब बनता था, और अब कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत वाले पंजाब को अलग कर दिया गया है। ये पेशावर, ये इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी हो गई है, और कहीं ना कहीं ये सिंध या बलूचिस्तान, और कहीं ना कहीं इन नदियों की वजह से भी कहीं की बाढ़ आई हुई है यहाँ। ये ग्वादर पोर्ट्स जहाँ कहीं का CPSC का काम चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या कराची पोर्ट, इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर अवस्थित हैं, और ये इंडस नदी, ये हैदराबाद, ये कीर्तन नेशनल पार्क, ये हिंगोल नेशनल पार्क हो गया, ये बलूचिस्तान का पठार हो गया है, ये सिंध हो गया, ये क्वेटा, ये मुल्तान नॉर्थन एरियाज, ये K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं पीओके में अवस्थित हैं। अब पाकिस्तान का गूगल मैप देखेंगे हम एक बार, तो ये कराची, और ये कहीं ना कहीं ये जो नदी है इंडस नदी होकर दिखाई दे रही है मैप में।
ये इधर अफगानिस्तान आ गया, इधर ईरान से इसकी सीमा लग रही है, और यहाँ से कहीं इससे चाइना से इसकी सीमा नहीं लगती, ऊपर कहने के अफगानिस्तान आ गया है, इधर इस्लामाबाद, इधर पेशावर या रावलपिंडी, ये खैबर, मुल्तान, ये कीर्तन नेशनल पार्क इसके दक्षिण की साइड आ गया है, और इधर पठारी क्षेत्र देख रहा होगा गूगल मैप में, एक तरह से ये पठारी क्षेत्र हो गया एक तरह से, और यहीं से कहने का जो दर्रे के थ्रू कहने का जो विदेशी आक्रांत भारत में एंटर करते थे, और ये मैदानी वाला क्षेत्र हो गया एक तरह से, जो सिंधु का मैदान ये वाला क्षेत्र, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वो यहीं रहती है पंजाब वाले क्षेत्र में, क्योंकि ये समतल और खेती की योग्य भी है, और दूसरा पानी भी है यहाँ पर, और इस साइड जो पहाड़ी क्षेत्र आ गया एक तरह से, ये ऊपर हिंदू कुश के पर्वतमाला आ गई, इधर हिमालय वाला क्षेत्र आ गया एक तरह से, ट्रांस हिमालय, और यहीं से कहीं ना कहीं जो इंडस नदी है भारत से होती है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में निकलती है, ये ऊपर तिब्बत का पठार आ गया है, ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज आ गई है, ये मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र आ गया है, तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखते रहना रोजाना, ताकि कहने के जो मैप है हमारी आंखों में फिट हो जाए एक तरह से। तो हमारा विश्लेषण यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।